गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह आई वेलकम यू ऑन गो टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ डेली करेंट अफेयर एक्सप्रेस ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इजैडमी तो अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आज तीन जनवरी हम देखेंगे क्रूशियल न्यूज फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव फ्रॉम टेकन फ्रॉम न्यूज पेपर सच एज द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस लाइव मिंट एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस Before proceeding ahead, students, let me know if I'm audible and visible so that we may proceed ahead in today's session. Yes, yes. Uh, Namaskar. Good morning. Jai And I hope all of you are fit and fine. Let's start session without delaying the uh, session. So this is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring.

दिस प्लस एंड आइकनिक कॉम्बो पैक पर ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ चल रहा है अभी एक से तीन जनवरी तक टुडे इज़ द लास्ट डेट गो फॉर इट नाउ यू हैव जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड अनुराग ये देखिए बस अनुराग सिक्स लेटर वर्ड आपको अप्लाई करना है अपन द अन अकेडमी ऐप जहां कोड डिमांड कर रहा है और आपको बाईस परसेंट ऑफ मिल जाएगा ऑन द स्पॉट एंड यू कैन सी आई कैनिक सब्सक्रिप्शन क्या 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 फायदे वन टू वन लाइफ बेंटरिंग स्टडी प्लानर मेन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस ओपन हाउस विद एजुकेटर्स साथ में प्लस के फायदे तो मिलेंगे इसमें दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट एंड यू कैन सी लोन्स यू कैन गेट एट जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट एंड नो प्रोसेसिंग फीस फॉर सब्सक्रिप्शन ये देखिए प्लस के वन टू थ्री ईयर के सब्सक्रिप्शन एंड आइकनिक के वन टू थ्री ईयर के सब्सक्रिप्शन यूज रेफरल कोड अनुराग टू ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ टूड तो ये देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्री टेस्ट सीरीज टी ट्वेंटी एंड अभियान डेली स्टैटिक क्विज एंड डेली करंट अफेयर क्विज मंडे टू फ्राइडे यू कैन सी द टाइमिंग फ्री फॉर एवरी वन गो फॉर इट एवरी डे एंड सी योर प्रिपरेशन जज योर प्रिपरेशन And this is my profile link students Anurag I is the search link upon the An Academy app. so zarur se follow kijiye 7:30 baje बजे शाम को doubt clarification session and MCQs. Doubt clarification pe pura focus rahega aaj aap आपके जो भी doubts हैं आप पूछिएगा आज preparation को लेकर 2022 की तैयारी को लेकर I'll be happy to answer all your doubts. It's a free class, a special class. Don't forget to log in for this. चलिए स्टूडेंट्स आज तीन जनवरी है तीन जनवरी के न्यूज हम निकालेंगे कल संडे था संडे दो जनवरी एवरी संडे वी हैव द करंट अफेयर्स सेशन अप ऑन द अन अकेडमी ऐप ठीक है तो आज वापस मंडे टू सैटरडे इट्स ऑन यूट्यूब एंड यूट्यूब पर आइए देखते हैं एवरी न्यूज हम दो तरफ से लिंक करेंगे डी कोड इंटरलिंक अप्रोच एंड थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच डी कोड इंटरलिंक अप्रोच का मतलब होता है डिकोड करना नहीं न्यूज को करना सिलेबस के किसी पॉइंट से एंड जी एस के वन टू थ्री फोर जो पेपर्स हैं के आंसर राइटिंग में एडअप करना उस न्यूज को ऑल्सो इन द ऑप्शनल ऑप्शनल के दो पेपर्स हैं वन एंड टू उसमें भी एडअप करना है एज वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम योर साइड इन दैट आंसर गेनिंग प्लस वन और प्लस टू मार्क्स पर आंसर एंड थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच मीन प्रेलम्स के लिए उस कंप्लीट न्यूज को देखना है होलिस्टिक तरीके से कि कहाँ से सवाल निकल सकते हैं तो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग टेक आउट द एटल एटलस इज नीडेड जी एस पीपो वन टू थ्री फोर मीन्स सिलेबस इज नीडेड एंड न्यूज नोटबुक इज नीडेड तीन चार कलर के पेन निकालिए एंड लेट्स टेक ऑफ इन टूडे सेशन तो सबसे पहला न्यूज आप देख सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री जो भी डाउट है शाम को आज पूछिएगा आप लोग स्पेशल क्लास में आज भी हैप्पी टू आंसर दे ठीक है तो वर्ल्ड हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर क्या इस फील्ड से आज कोई न्यूज है नहीं है ठीक है टू डेज बैक साहित्य अकादमी का न्यूज आया था आर्ट एंड कल्चर से बस साहित्य अकादमी अवार्ड्स का उसके बाद न्यूज नहीं आया है एवरी वीक एक दो न्यूज रहता है यहां से ठीक है यू कैन सी द सिलेबस आउट है इन जीएस पेपर वन ऑफ दिस हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्ट सेकेंड इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर वन क्या कुछ आज न्यूज आया है नहीं आया है लेट्स शिफ्ट टू जीएस पेपर टू एंड थ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी का कंबाइंड ये सेक्शन लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूज कमिंग अप ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी पुशेस फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑन संडे रिलीज अ ड्राफ्ट ड्राफ्ट का मतलब अभी रफ रिलीज किया गया है पॉलिसी एंड उसपे पॉइंट्स इन्वाइटेड हैं सारे स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर एयर स्पोर्ट्स इन दंट्रीट विल रिक्वायर एंड इट प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज एंड देर इक्विपमेंट टू बी रजिस्टर्ड एज वेल एज लाइबल फॉर पेनाल्टीज रजिस्ट्रेशन बिकम्स मैंडेटरी फॉर दीज एयर स्पोर्ट्स एंटिटीज यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस और इवन uh, कुछ अगर टूरिस्ट ग्रुपिंग्स हैं जो ये सब करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन बिकम्स मैंडेटरी ये देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स नीड टू बी रजिस्टर्ड एड एज वेल इक्विपमेंट ये देखिए लेट मी टेल यू एयर स्पोर्ट्स इज फास्ट एमर्जिंग एज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव टूरिस्ट ऑप्शन माउंटेनियस बेल्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज सहरीज एंड वेस्टर्न हिमालय द पॉलिसी प्रोपोजेस आर टू टीयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर एयर स्पोर्ट्स टू टीयर टू लेवल ठीक है टू टीयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप देखिए मैं नोट कर रहा हूं वैसे नोट करते जाइए ये देखिए स्ट्रक्चर

अलग अलग स्पेसिफिक स्पेशलाइज बॉडीज बनाई जाएंगी कौन कौन से एयर स्पोर्ट्स होते हैं एरोबैटिक्स बैलूनिंग पैराग्लाइडिंग एंड माइक्रोलाइटिंग देखें यहाँ पे ये सारे एक्टिविटीज के लिए अलग अलग स्पेसिफिक बॉडीज ठीक है इट विल कवर एक्टिविटीज लाइक एरोबैटिक्स एरो मॉडलिंग एमेट्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट यस बैलूनिंग ड्रोन्स ग्लाइडिंग हैंग ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग स्काई डाइविंग विंटेज एयरक्राफ्ट ये सारी चीजें एक्टिविटीज इंक्लूडेड रहेंगी And the Air Sports Federation to activities included. Note kar ga, ye A fifth point: the Air Sports Federation of India will be an autonomous body under the Ministry of Civil Aviation. Autonomous body under the Ministry of Civil Aviation. Ye and will represent India at La Headquartered Federation, Aeronautique International, and other global platforms. यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है एयर एक्टिविटीज के लिए फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ये फ्रेंच में यहां पुटअप किया गया है लॉसेन हेडक्वार्टर्स लॉसेन में उसके है हैं एंड इंडिया रिप्रेजेंटेड तो ये देखिए एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वेल रिप्रेजेंट इंडिया एट द ग्लोबल लेवल रिप्रेजेंट इंडिया एट ग्लोबल लेवल

टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है एयर स्पोर्ट्स डेवलप करना स्पेसिफिकली इन द माउंटेनियस बेल्ट एंड दिस कैन बिकम अ बिग 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 अर्नर फॉर इंडिया यस फॉरन एक्सचेंज अर्नर इन द टूरिज्म सेक्टर ये देखिए अ सेकेंड पॉइंट इससे एक और बड़ा फायदा बहुत सारे एक्सीडेंट्स और आई uh, ये अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज अनरेगुलेटेड है ये ये सेक्टर तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं इसके अलावा मैनी टेररिस्ट कैन ऑल्सो टेररिस्ट एक्टिविटीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ड्रोन्स ड्रोन्स का इस्तेमाल करके तो ये सब रेगुलेट किया जाएगा तो सिक्योरिटी भी आएगी एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बॉर्डर एरियाज पे रुक जाएंगे एंड होपफुली होपफुली इट विल बी अ सेफ स्पॉट टू फॉलो ऑन दैट्स इट ये देखिए तो आई सपोज यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स ये अभी ड्राफ्ट है, जब फाइनल करके आएगा ठीक है आफ्टर आफ्टर स्टेक होल्डर्स पिच इन देयर पॉइंट्स ठीक है अपने पॉइंट्स बताते हैं वो लोग अमेंड कर किया जाएगा इसे फिर बिल पास होगा उसके बाद आ, आएगा डिस्कस इट अगेन चलिए आगे बढ़ जाए तो इसे ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा टूरिज्म के रिवाइवल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ठीक है देखिए लिखा हुआ पॉलिसी सजेस्ट दैट पॉपुलर स्पॉट्स ज बीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश कैन बी डिक्लेयर्ड एज एयर स्पोर्ट कंट्रोल जोन देखिए फुल फ्लेजेड कंट्रोल जोन एयर स्पोर्ट्स के लिए चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट अगलाबल कैप फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था दिस इट सेल्फ वी हेड डिस्कस दिस दैट ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा जो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन आई होप यू एग्री कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था आर्टिकल फिफ्टीन एंड आर्टिकल सिक्सटीन वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक क्राइटेरिया यस इंडिया में रिजर्वेशन इसके पहले केवल सोशली एंड बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाता था दैट इज द क्राइटेरिया वॉज कंप्लीटली सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ये देखिए बट ये पहली बार स्टूडेंट्स इकोनॉमिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ऊपर दिया गया दिस रिजर्वेशन एंड रुपीज एट लैक इनकम आठ लाख एनुअल इनकम उससे नीचे रहेगा तभी आपको मिलेगा दिस रिजर्वेशन बेस्ड अपॉन ईडबू एस रीजनेबल इनफ और शुड इट बी रिड्यूस्ड आठ लाख बहुत होता है जिन लोगों ने पिटीशन दायर किया था उनका क्या नाम था एनुअल इनकम एट लाख इज यूज ये देखिए सो इन द जनरल कैटेगरी द the people who are earning the families who are earning less than 8 lakh they get uh, economic weaker section quota the students can file their uh, application in jobs from that quota but was 8 lakh ,00 income the limit was it justifiable uh, justifiable यही सवाल आया था तो ये देखिए गवर्नमेंट कमेटी रिपोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और सरकार ने कमेटी बनाया था

डिटर्मिनिंग इकोनॉमिक वीकर पिटिशन गो देखिए सवाल है क्यों जा, गया था पिटिशन सेंटर पिटिशन गया था दैट अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है क्रीमी लेंस जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उनके लिए कहा गया था आठ लाख एट लाख uh, रुपीज पर ईयर के ऊपर अगर आपका एनुअल आठ लाख रुपए फैमिली इनकम है उसके ऊपर आपका फैमिली इनकम आ रहा है यू विल नॉट बी एबल टू गेट ओबीसी कोटा रिजर्वेशन मींस यू विल बी कमिंग इन द क्रीमी लेयर यू विल बी डिड ऑफ़ द कोटा तो एक तरफ ओबीसी में आठ लाख के ऊपर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है ठीक है बिकॉज यू आर ऑफ़ द अपर क्लास और एक तरफ दिस इन जनरल कैटेगरी यू आर गेटिंग रिजर्वेशन वन इज गेटिंग रिजर्वेशन बिकॉज आठ लाख इनकम के नीचे है मीन्स एक तरह से कंपेर्ड टू द अदर अदर पीपल यू आर इन द लोअर क्लास यही इसीलिए गया था कि आठ लाख क्राइटेरिया क्या सही है कि नहीं एंड ऑन वॉट ग्राउंड सेंटर ने किस ग्राउंड पे आठ लाख सेट किया है बता दीजिए कोई फॉर्मूला है तो बता दीजिए यह देखिए एंड बट बट ध्यान दीजिए द सेंटर सेंटर ने आंसर में और said, OVC, क्या बताया ये देखिए इट सेट सेंटर सेट द इनकम क्राइटेरिया फॉर ईड्लू एस वॉज मोर स्ट्रिजेंट देर ओबीसी क्या डिफरेंस है दोनों में ईडब्ल्यू एस क्राइटेरिया रिलेट्स टू फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन इसका मतलब है जब आप ईडब्ल्यू एस कोठा में डालते हैं एप्लीकेशन तो आपसे पूछा जाता है एनुअल फैमिली इनकम पिछले साल का कितना था द लास्ट ईयर ठीक है तो आप कहते हैं अगर कि आठ लाख के नीचे था यू गेट द रिजर्वेशन ठीक है आठ लाख के ऊपर था लास्ट ईयर का ठीक है यू डोंट गेट रिजर्वेशन तो दिस इज फॉर ईडब्ल्यू एस वेयर इज द इनकम क्राइटेरिया फॉर क्रीमी लेयर इन ओबीसी कैटेगरी इज एप्लीकेबल टू ग्रॉस एनुअल इनकम फॉर थ्री कंसिक्यूटिव इन तीन साल कंटिन्यूस अगर आप आठ लाख के ऊपर अर्न कर रहे हैं यू गो इन द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी नॉट कटिंग रिजर्वेशन यही फर्क है सेंटर यह बता रहा है बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स विद वॉट क्राइटेरिया एट लैक वॉज सेटअप ठीक है आठ लाख कैसे सेट किया गया यही जुडिशरी डिमांड कर रहा था उस पर यह जवाब आया लेट सी जुडिशरी क्या कहेगा आप जुडिशरी के द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द जुडिशरी वॉट इज इट गोइंग टू कन्वे रिगार्डिंग दिस एंसर ऑफ द सेंटर गेटिंग द पॉइंट टेनमी ये ये दूसरे क्राइटेरिया भी है ओबीसी में क्रिमी लेर में uh, क्रिमी लेयर में जाने के लिए ठीक है सो दिस वॉज इट यू कैन सी द कमिटी एंड नाउ द जुडिशरी विल आंसर और हम लोग देखेंगे कि क्या वो कहता है कन्वे क्या करता है वो एग्जीक्यूटिव को क्या कहता है बट एक सवाल रह गया है आई होप यू एग्री दैट वट वॉज द क्राइटेरिया ऑफ सेटिंग रुपीज एट लैक इनकम एज द कैप फॉर गेटिंग ईडब्ल्यू एस को था. यही तो पूछा था जुडिशरी ने कि कैसे सेट किया है बता दो भैया तो सबको मालूम चल जाए ट्रांसपेरेंसी आ जाए गवर्नेंस में ये देखिए ट्रांसपेरेंसी आ जाए गवर्नेंस में क्लियर कट कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इस चीज पे सेट किया गया फॉर्मूला ये है आठ लाख ऐसे अराइव किया गया चलिए वे टू लिंक दिस न्यूज रिजर्वेशन के ऊपर या इब्ल्यू एस कोटा के ऊपर कुछ आएगा यू कैन लिंक दिस बट स्टिल चलिए आगे बढ़ जाए ये दो न्यूज uh, थे चलिए आगे बढ़ जाए इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन जीएस पेपर टू का ही टॉपिक है आइए देखते इसमें क्या क्या न्यूज है लेट सी इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन में क्या क्या टॉपिक क्या क्या न्यूज है आई देखते हैं फर्स्ट न्यूज कमिंग अप देखिए ये उसका दिस दिस इज सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस प्रेलम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट इसके लिए एटलस जरूरी पड़ता है एटलस निकाल लीजिए ठीक है फर्स्ट न्यूज कमिंग अप यू कैन इट हियर द फर्स्ट न्यूज कमिंग अप फायर बॉन्ड साउथ अफ्रीका पार्लियामेंट बिल्डिंग इन केप टाउन ओके साउथ अफ्रीका का मैप दिख रहा है हमें यहां ये यह देखिए <laughs> तो ये देखिए साउथ अफ्रीका का मैप दिख रहा है एक तरफ इंडियन ओशन एक तरफ एटलांटिक ओशन और यहां पे केप टाउन केप टाउन एक शहर है इट्स अ अटी केप टाउन वहीं पे एक जगह है केप ऑफ गुड होप सुना है आपने मीनिंग ऑफ अब केप इज प्रोजेक्शन ऑफ लैंड इन दी जमीन का एरिया जब सी में प्रोजेक्ट आउट करता हो तो केपटाउन का इमेज दिखा रहा हूं आपको मीन केपटाउन uh, कैसे बना हुआ है मैं आपको डायग्राम बस यहां बनाकर दिखा रहा हूं जैसे मगरमच का पूछ होता है ना क्रोकोडाइल स्टेल इन द सेम वे दाउन इज लोकेटेड ऑन प्रोजेक्शन लाइक दिस इन केप टाउन इन द ओशन ये देखिए जस्ट लाइक अ क्रोकोडाइल स्टेल ये देखिए ठीक है बहुत केप का मतलब वही होता है जहां केप केप कोमोरिन प्रोजेक्शन इन द सी कन्याकुमारी वैसे यहां पे तो यहां का जो केप है ना केप टाउन जिसपे लोकेटेड है वो एक मगरमच्छ के पूछ की शेप का है ठीक है केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन इज अ वेरी फेमस सिटी लेजिस्लेटिव कैपिटल लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका स्टूडेंट्स क्या साउथ अफ्रीका के तीन अलग अलग कैपिटल्स हैं ध्यान दीजिएगा साउथ अफ्रीका का एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया है देखिए प्रिटोरिया यहां ये देखिए साउथ अफ्रीका का जुडिशियल कैपिटल ब्लोम फाउंटेन है देखिए ब्लोम फाउंटेन जुडिशियल यहां पे सुप्रीम कोर्ट है उसका प्रिटोरिया में एग्जीक्यूटिव ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उन लोगों का ठीक है टाउन में पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये देखिए आई होप यू गॉट द पॉइंट थ्री कैपिटल्स डिड वी डिस्कस दिस साउथ अफ्रीका थ्री कैपिटल्स एंड आंध्र प्रदेश गोइंग फॉर थ्री कैपिटल्स सिक्स सेवन मंथ्स बैक एडिटोरियल आर्टिकल्स कमिंग अप तो ये देखिए स्टूडेंट्स साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट बिल्डिंग बर्न कर गई है कहां बर्न करेगी बाय डिफॉल्ट द लेजिस्लेटिव कैपिटल पार्लियामेंट बिल्डिंग वहीं पे ये देखिए तो बस ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट मेंस के लिए कुछ खास नहीं प्रिलिम्स के लिए थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच थ्री कैपिटल्स ऑफ साउथ अफ्रीका याद कर लीजिए ठीक है देखिए फिर से वही बात यहां पे फायर रेवेजेस साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट असेंबली फुली डिस्ट्रॉयड नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड से हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन केप टाउन हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द नेशनल असेंबली वर पार्लियामेंटेरियन से स्पोक्स पर्सन हैज सेट ये देखिए टाउन इसकी पहले भी परेशानी में है स्टूडेंट केप टाउन सफर्ड फ्रॉम जीरो डे इन वॉटर क्राइसिस सुना है आपने वॉटर क्राइसिस केपटाउन वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड विच री रीस्ट जीरो इन वॉटर क्राइसिस पानी नहीं था वहां पर सर्वाइव करने के लिए टू ईयर्स बैक यस ठीक है सो दैट्स इट अबाउट अबाउट साउथ अफ्रीकाज एक्सीडेंट इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग लीडिंग टू फायर दैट्स इट ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स से अगला सेकंड न्यूज ये तो ये प्रलिम्स के लिए साउथ अफ्रीका वाला न्यूज है नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ये देखिए तो इंडिया और पाकिस्तान थर्टी वन ईयर प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है कंटिन्यूइंग द ये देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज है कंटिन्यूइंग थर्टी वन ईयर प्रैक्टिस इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन सैटरडे एक्सचेंज लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अंडर अ अटरल पैक्ट प्रोहिबिट्स द टू साइड फ्रॉम अटैकिंग इच अदर्स एटमिक फैसिलिटीज ओके यानी कि एक थर्टी वन ईयर पहले ये पैक्ट साइन किया गया था लेट सी द एग्रीमेंट विच वॉज साइंड ऑन नाइनटीन एटी एट ये देखिए इन दर नाइनटीन एटी एट के मू फोर्स इन नाइनटीन नाइनटी वन एंड इट प्रोहिबिट्स ध्यान दीजिएगा प्रोहिबिट्स प्रोहिबिट्स द कंट्रीज the द कंट्रीज टू हिट इच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन दैट्स इट टू हिट द न्यूक्लियर एटमिक इंस्टॉलेशन ऑफ इच अदर ये देखिए क्लियर है स्टूडेंट्स तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या एटॉमिक इंस्टॉलेशन हिट नहीं करना है उस पर अटैक नहीं करना है इसके लिए पता रहना चाहिए ना कहा मीन्स कौन कौन से इंस्टॉलेशन है इसीलिए एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा ये देखिए एक्सचेंज ऑफ डेटा हैपन्स so this is a good practice continuing between the two countries yes cdk the agreement which was signed on december 31st 1988 entered into force on january 27th 1991 dates are not important year is important i have quoted it provides that india and pakistan inform each other of the nuclear installations and facilities to be covered under the agreement ठीक है ऑन द फर्स्ट ऑफ जनवरी ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर हर साल के पहली जनवरी को ये यही काम होता है देखिए गेटिंग द पॉइंट दिस इज थर्टी फर्स्ट कंजीक्यूटिव एक्सचेंज ऑफ सच लिस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज द फर्स्ट वन हैनवरी वन जनवरी एक को यही शुभ काम के साथ शुरुआत होती है दोनों देशों के लिए ठीक है तो ये देखिए द द पैक्ट ये डिटेल्स तो आपको मालूम चल गया रीजन क्या ये भी मालूम चल गया अब इसे लिंक कहाँ करना है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन नाउ दिस इज अ गुड मीनस ये प्रॉस्पेक्ट्स में या आप गुड रिलेशन में इसको लिंक कर सकते हैं कि ये चला आ रहा है इतने समय से यस एंड प्रम्स में भी सवाल निकल सकता है द ईयर इज इंपॉर्टेंट एटी एट में साइन नाइनटीन नाइनटी वन में केम इंटू फोर्स द फर्स्ट एक्स

Uh, 12 ट बैक टू बी मोर the दिस्ट इन पाकिस्तान चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट अगला न्यूज विद रीसेंट ओवर इंडिया चाइना आई स्टेबिलिटी इन टाइज़ आफ्टर ईयर ऑफ टेंशन देखिए यही कहा जा रहा है कि मिठाई बट रही है एक तारीख को एक जनवरी को एक दूसरे को एक एक मिठाई का डब्बा दिया गया है चाइना और इंडिया के बॉर्डर uh, पे ठीक है और होप देख होप किया जा रहा है कि रिलेशन सुधर जाएंगे अब ठीक नहीं चला है बहुत दो साल से लगातार परेशानी तो जो अभी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं उसके बाद इंडिया एंड चाइना आई स्टेबिलिटी इन टाइज आफ्टर ईयर ऑफ टेंशन इट वाज सरप्राइजिंग कि मिठाई का डब्बा लेकर चाइना भी आ गया बॉर्डर पे ठीक है तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग अनएक्सपेक्टेड भी था ठीक है एक तरफ बॉर्डर लॉ बना रहा है चाइना कल ही देखा था न्यूज हम लोगों ने बॉर्डर लॉ बना रहा है बाउंड्री पे बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है और एक तरफ मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है ठीक है मिठाई का डब्बा भी चाइना लेकर आएगा तो उसे शक ही पैदा होगा ठीक है नहीं दिस वॉज दिस इज मीन्स द अप्रोच ऑफ चाइना इज इट कैनॉट बी एक्सप्लेन ईवेंट कि क्या एम है यार मिठाई भी खिला रहे हो उसके बाद लड़ाई भी कर रहे हो ये वही बात हो गई कि घर में आप जाते हैं तो आपको पैसे भी मिलते हैं और झापड़ भी लगाया जाता है सो दिस दैट इज़ तो क्या समझा जाए इसका ये yeah, सर दो साल से परेशान कर दिया चाइना ने अग्रेशन कर करके तंग करके रख दिया चाइना ने दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड सींग द रिलेश पास्ट फिफ्टी से जो भी रिलेशन चल रहे थे अचानक से दो साल में इतने रिलेशन ख़राब हो गए वट टू सी तो लेट्स प्रोसीड है ठीक है अब ये तो न्यूज आएगा ही हमेशा आएगा इसके ऊपर ठीक है लेट्स प्रोसीड है स्टूडेंट जीएस पेपर थ्री का न्यूज जनरल स्टडीज पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट द फर्स्ट न्यूज कमिंग अप सेंटर प्लान अ बिग इंफ्रा पुश देखिए लाइवमेंट का न्यूज है लाइवमेंट इज अकोनॉमी न्यूज पेपर इन्फ्रापुश विथ थर्टी परसेंट हाइक इन बजट फॉर हाईवेज सो यू नो कि इस न्यूज को कहाँ लिंक करना है इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर थ्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट पुशिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यस नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन कह लीजिए ठीक है या गति शक्ति प्रोजेक्ट कह लीजिए क्या ये सब न्यूज में आया है इस बार टेल मी ये देखिए और अभी इसके पहले भारत माला प्रोजेक्ट सागर माला प्रोजेक्ट और अब ये देखिए ये प्रोजेक्ट ये देखिए थर्टी परसेंट हाइक इन बजट फॉर हाईवेज ये देखिए इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज फास्ट बिकमिंग वन ऑफ द की एरियाज़ ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट यस एंड कहते भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये देखिए ये देखिए फिजिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड रेलवे दिस एयर सिविल एविएशन आर देड इज कनेक्टिविटी की टू डेवलपिंग द इकोनॉमी टेल मी कनेक्टिविटी कहते हैं कि कनेक्टिविटी ही डेवलपमेंट का प्रिकर्स होता है डू यू एग्री ये देखिए यू कैन कोट दिस थॉट आल्सो इन द पेपर। कनेक्टिविटी इज अ की टू डेवलपमेंट दैट्स इट और ये अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं पैसा तो दैट इज अन्वेस्टमेंट क्योंकि रोड और रेलवे से इंडस्ट्रीज को फायदा होगा ठीक है दिस फास्ट वही वहीकल्स विल बी एबल टू रीच दियर डेस्टिनेशन फास्टर गुड्स को फायदा होगा गुड्स भी जल्दी पहुंच पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे इन शॉर्ट कनेक्टिविटी लीड्स टू डेवलपमेंट एंड यस सप्लाई चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आप ये न्यूज लिंक कर सकते हैं यस वेरी गुड पॉइंट ये देखिए तो बस इतना हेडिंग काफी है स्टूडेंट ठीक है और कुछ नहीं ठीक है अब नेक्स्ट आगे देखिए बढ़ते हैं राजस्थान टू माइन लिगनाइट फॉर एनहेंस्ड पावर जनरेशन अब ध्यान दीजिएगा राजस्थान राजस्थान में बीकानेर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट देखिए दिस इज द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आई होप यू uh, कैन सी इट हियर गंगानगर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के बीच में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट यहां पे लिगनाइट माइनिंग शुरू कर रहा है राजस्थान वाई एड वॉज वॉज कोल इन शॉर्टेज इन द लास्ट थ्री फोर देखिए क्या कोल शॉर्ट किया था और क्या प्राइसेस हाई हुए थे यस कोल कोल के भी वैरायटीज होते हैं स्टूडेंट्स आपको पता है ये देखिए इज द बेस्ट कोल ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कहां पे आपको पता होगा कार्मी शेल माइन कार्मी शेल माइन ठीक है कुछ न्यूज आया था क्या अभी रिसेंटली कार्मिशियल माइन गैली बेसिन ठीक है एंथ्रासाइड कोल इज वेरी रेयर इन द वर्ल्ड ओके सेकेंड पॉइंट ये देखिए बिटोमिनस uh, कोल लिगनाइट कोल एंड पीट ये देखिए अगर आप देखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर काम करता है तो दे गेट कन्वर्टेड लिविंग मीन्स इट्स अड्रोकार्बन ओनली दिस कोल तो पीठ पहले बनता है फिर कोल बनता है सॉरी फिर लिग्नाइट बनता है फिर बिटुमिनस बनता है फिर कोल बनता है ये देखिए एंड इसमें लिग्नाइट कोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज इन इंडिया ऑल्सो ठीक है लिग्नाइट कोल बता दूं आपको बहुत फेमस है नेवेली में पाया जाता है नेवेली इज इन तमिलनाडु हैव यू हर्ड ऑफ इट नेवेली इन तमिलनाड जी की कोई किताब ओपन कर लीजिए लिग्नाइट कोल में इंडिया में नेवेली और इसी नाम पर एक पीएसयू है नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन एनएलसी ये देखिए सो दिस इज इट एंड लिग्नाइट लिगनाइट कोल अल्टीमेटली इंडिया इंडिया का मैक्सिमम कोल बिटोमिनस ये देखिए बिटोमिनस एंड सब बिटोमिनस यही आपको मैक्सिमम कोल मिलेगा इसमें कुछ इंप्योरिटीज ज्यादा होती हैं इंप्योरिटीज आर मोर ठीक है एज कंपेयर टू ठीक है अगर आप ग्रेड वाइज अरेंज कीजिएगा कोल को एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कोल फॉलोड बाई बिटोमिनस फॉलोड ई सब बिटोमिनस ये देखिए फॉलोड बाई लिग्नाइट फॉलोड बाई पीट ये देखिए तो इसमें तो चल ही रहा था माइनिंग लिग्नाइट भी माइन किया जाता है इफ द बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस कोल जो इंडिया में पाया था अगर वो स्केयर्स हो जाए अगर कोल की शॉर्टेज होता है हो जाए तो लिग्नाइट भी माइन किया जाता है एंड यही न्यूज आया है बीकानेर में लिग्नाइट माइनिंग शुरू कर रहा है राजस्थान ये देखिए राजस्थान इज प्रिपेयरिंग एंड एम्बिशियस रोड मैप इन द न्यू ईयर फॉर माइनिंग ऑफ लिगनाइट इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट गुदा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट गुद्धा वेस्ट लोकेशन ये देखिए जी यू टी एच ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये देखिए एंड uh, <laughs> इसका इंस्टॉलेशन इंस्टॉल किया जाएगा लिगनाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट ये देखिए यस लिग्नाइट बेस्ड कंप्लीटली लिग्नाइट बेस्ड आई होप यू गॉट इट ठीक है क्या यहाँ पे गुधा जो जगह है यहाँ पे गुथा इज इन बीकानेर क्या यहाँ पे ऑलरेडी लिग्नाइट निकाला जा रहा है यस हु इज एक्सट्रैक्टिंग नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पी तो अब स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि मैं भी निकालूंगा यहाँ से क्योंकि थर्मल मीन्स पावर शॉर्टेज पावर क्राइसिस ना हो जाए आगे चलकर इसलिए विल बी एक्सट्रैक्टिंग दिस आउट बीकानेर लोकेट कर, कर लीजिए इससे प्रिलिम्स में यहां से सवाल निकल सकता है देख लीजिएगा मेंस में क्या लिंक करोगे थर्मल पावर प्लांट बेस्ड अपॉन लिगनेट विल बी वेरी वेरी पॉल्यूशन मींस मींस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करेगा बट व्हाट टू डूटीज क्या है वही देखना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स ठीक है लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूज ये देखिए सेकंड न्यूज इन इंडियन इकोनॉमी पावर पैलेट्स थर्ड न्यूज पावर पैलेट्स मे हैव टू सॉरी पावर प्लांट्स मे हैव टू यूज बायो पैलेट्स इन फ्यूअल मिक्स ओके पावर प्लांट्स ये देखिए नया प्रोजेक्ट नया प्लान है समर्थ नाम है इसका समर्थ ये देखिए लाइव मिनट का न्यूज समर्थ नाम है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई का प्लान है स्ट्रेटेजी है वट इज मीनिंग ऑफ समर्थ ये देखिएगा दिस uh, जो uh, क्रॉप रेसिड्यू होता है क्रॉप रेसिड्यू ये देखिए क्रॉप रेसिड्यू यानी क्रॉप जो क्रॉप स्टबल बर्निंग होती थी उसको हटाकर क्रॉप रेसिड्यू इज कन्वर्टेड इनटू पैलेट्स पेलेट्स ये देखिए पेलेट्स यस कैप्सूल्स कैप्सूल फॉर्म एंड दैट बी यूज्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स टीपीपी अलोंग विद कोल ये देखिए तो ये देखिए दिस इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन टू चेक पॉल्यूशन फ्रॉम स्टबल बर्निंग देखिए क्रॉप रेसिड्यू जब बर्न कर किया जा रहा था स्टबल बर्निंग वाज इट इट इज कॉजिंग ह्यूज पॉल्यूशन इन एनसीआर बेल्ट इन अदर बेल्ट इसीलिए इसको हटाने के लिए किसान बेच दें क्रॉप रेसिड्यू किसे बेच दें थर्मल पावर प्लांट्स को बदले में पैसा मिल जाए किसान को ये देखिए और ये पेलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके कोयले में मिक्स करके डाल दिया जाए पावर जनरेशन के लिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है इट्स रिटर्न दिस द आर मिक्स विद कोल इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस विल दिस विल लीड टू डबल इंपैक्ट पहला इम्पैक्ट रेड्यूस्ड पॉल्यूशन इन द एनसीआर बेल्ट डू यू एग्री रेड्यूस्ड पॉल्यूशन सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट देखिए पॉल्यूशन रेड्यूस तो हो गया पहला पॉइंट हो गया सेकंड फार्मर एम्पावरमेंट ये देखिए फार्मर्स एम्पावरमेंट दैट्स इट चलिए आगे बढ़ जाए इस, इसे दो जगह लिंक कीजिएगा अगर फार्म मींस फार्म रेसिड्यू को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए समर्थ इनिशिएटिव एंड पॉल्यूशन रिड्यूस कैसे किया जाए समर्थ इनिशिएटिव लेट्स प्रोसीड है ठीक है टुअर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जीएस पेपर वन थ्री इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आइए देखते हैं स्टूडेंट्स uh, पहला न्यूज टू प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड इन केरल फाउंड इन वेस्टर्न घाट थिरुवनंतपुरम एंड वैनाड डिस्ट्रिक्ट देखिये थिरुवनंतपुरम द सदर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल एंड वैनाथ डिस्ट्रिक्ट वैनाड इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व सुना है आपने नीलगिरी के बारे में ये देखिए नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व का ये पार्ट है ये देखिए रिसर्चर्स फ्रॉम सर्टन कॉलेजेस देखिए यहाँ पे नए प्लांट स्पीसीज इन द बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट इज वेस्टर्न घाट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्टूडेंट्स हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का ये देखिए हॉटस्पॉट के लिए क्राइटेरिया क्या है देख लीजिएगा ठीक है मैंने पढ़ाया है और इनका नाम देखिए दे, दे दिया गया बेस्ड अपॉन साइंटिस्ट इनका नाम दिया गया स्टाइलिस सुनीली ठीक है तो सुनील नाम से निकल रहा है ठीक है बेस्ड अपॉन द प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट मिस्टर सी एन सुनील ये देखिए एंड नी नोटिस प्रभुई ये देखिए तो नाम समझ में आ रहा है कि प्रभु नाम से निकाला गया ये पॉइंट ठीक है ये नाम के एम uh, प्रभु कुमार सीनियर साइंटिस्ट एट सी एस आई आर लखनऊ तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है दैट फेमरी स्टाइलिस्ट सुनीली वॉज डिस्कवर्ड इन थिरुवनंतपुरम ये देखिए एंड दिस नोटिस प्रभु वॉज डिस्कवर्ड इन वैना ये देखिए अब आप कहिएगा ठीक है सर क्या ये नाम इंपॉर्टेंट है नहीं नए प्लांट स्पीसीज डिस्कवर किए गए ये इंपॉर्टेंट है यस ये आ सकता है कि रिसेंटली टू प्लांट स्पीसीज वर डिस्कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इट्स केरल वेस्टर्न घाट रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनके बारे में कितना डेटा है और IUCN स्टेटस क्या दिया गया इनको ये देखिए IUCN स्टेटस स्टेटस IUCN इनको दिया गया डेटा डिफिशियंट डी देखिए ये देखिए डी डी डेटा डिफिशियंट आइए देखते हैं क्या होता है लेट सी दिस दिस इज द IUCN सी एन कंप्लीटलिस्ट क्राइटेरिया देखिए IUCN अगर देखे जाए ऑल स्पीसी ऑल स्पीसी को पहले देखा जाता है कहां कहां कौन सी स्पीसीज पहला इवैलुएटेड सेकेंड नॉट इवेल्युएटेड देखिए ग्रुप हो गया डिविजन इंटू टू इवेलुएट किया गया यानी कि देखा गया ये क्या स्पीसीज हैं या नहीं है इवेल्युएशन में एडिक्वेट डेटा एंड इनएडिकुएट डेटा ये देखिए अब बात समझ में आ रही है इनएडिकुएट डेटा में डेटा डिफिशियंट एडिक्वेट डेटा में उसके बाद लिस्ट कंसर्न बहुत ज्यादा संख्या है ठीक है नियर थ्रेटेड थोड़ी कम संख्या वर्नर और कम हो रहा है एंडेंजर्ड बहुत कम हो गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड चिंता का विषय ठीक है सौ दो सौ के आसपास पाया जा रहा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड खत्म हो गया अपने नेचुरल हैबिटेट में एक्सटिंक्ट पृथ्वी से गायब हो गया दैट्स इट डेटा डिफिशियंट इज इट क्लियर कितने लिस्ट कितना कितने लिस्ट हो गए कितने कॉलम्स हो गए समझ में आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन कॉलम्स इन आई सी एन कैटेगरीज ये देखिए ठीक है नाइन कॉलम्स होते हैं इतना याद रखिएगा एंड पहला डिवीजन क्या होता है इवेलुएटेड एंड नॉट इवेलुएटेड इवेलुएटेड में डेटा एडिक्वेट एंड डेटा इनएडिक्वेट डेटा इनएडिक्वेट डेटा डिफिशियंट ये देखिए यहां पे यानी अभी पता करना बाकी अरे अभी खोजा गया यार कल परसों मालूम चला ठीक है अब तो पता करना पड़ेगा ना कितनी संख्या है हाउ मेनी नंबर इट्स वेरी डिफिकल्ट स्टूडेंट्स ठीक है तो ये देखिए ये उस जगह का अब एक बार डेटा आ जाएगा तो मालूम चलेगा कि ये एंडेमिक है या एंडेमिक नहीं है ठीक है ये सब मालूम चलेगा अभी कुछ भी नहीं पता है नाम बोल दिया गया फुल देख लिया गया पेपर में फोटो छाप दिया गया और बस डी डी डेटा डिफिशियंट दे दिया गया लिस्ट दैट्स इट इट इज क्लियर स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ जाए ठीक है सो so, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नॉट फॉर द मेंस नेक्स्ट लेट सी द नेक्स्ट काजी रंगा एलिवेटेड रोड प्लान अवेट्स नॉडी देखिए ये रोड है इस पे एलिफेंट है देखिए एनिमल कॉरिडोर देखिए यहां पे

अब जो रोड बनाया जा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में वो एलिवेटेड होगा ऊपर से जाएगा अंदर से नहीं जाएगा पार्क के पार्क के अंदर से जाने में परेशानी है ये देखिए तो so, ये 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट यू कैन सीट हेयर अकॉर्डिंग टू द ब्लू प्रिंट द काजीरंगा प्रोजेक्ट विद है किलोमीटर एंड द अदर ऑफ सिक्स मीटर्स एग्जैक्ट आएगा प्लान कैसा मीन्स रोड कैसे बनाया जाएगा एंड कहाँ का एलिवेशन रहेंगे कहाँ का टनल्स रहेंगे बट अल्टीमेटली रोड बनाने का मतलब ही होता है इंटरवेंशन इन द नेचर ठीक है तो हैवे लुक वेयर इज काजीरंगा लोकेटेड काजीरंगा इज लोकेटेड ये देखिए आसम में देखिए ठीक है अब मैं बता दूं आपको दिस आसम के कुछ नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है टिब्रू सेखोवाई देख लीजिएगा लोकेशन मैंने पहले भी कहा हुआ है लोकेशन वाइज इट्स इंपॉर्टेंट है मानस देख लीजिएगा लोकेशन ठीक है थर्ड पॉइंट काजीरंगा देख लीजिएगा लोकेशन फोर्थ पॉइंट ये देखिए uh, पोबी तोड़ा देख लीजिएगा पोबी तोड़ा सुना होगा आपने ठीक है एंड फिफ्थ ओरंग नेशनल पार्क देख लीजिएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क ठीक है uh, तो ओरंग नेशनल पार्क ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ऑर्डर में ईस्ट टू वेस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट मैंने पहले भी कहा हुआ है अरेंजमेंट्स आ सकते हैं असम इज बिकमिंग टफ इन बायोडाइवर्सिटी बिकॉज एवरी ईयर पांच छह न्यूज आ रहा है ठीक है ह्यूमन एनिमल यू कैन कोट दिस न्यूज एंड एलिफेंट को लेकर हर रोज न्यूज आ रहा है कल ही तो न्यूज आया था एलिफेंट्स के बारे में ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स अगले न्यूज की तरफ ये देखिए ब्रेक थ्रू इन बैटरी टेक्नोलॉजी यही न्यूज था शनिवार का वी कुड नॉट डिस्कस लिथियम मेटल बैटरी विद अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ये देखिए सेपरेटिंग द टू इलेक्ट्रोड इस ब्राइट प्रॉस्पेक्ट बैटरी टेक्नोलॉजी में नया नया डिस्कवरी नया एवेन्यू ये देखिए क्वांटम स्केप नाम है उस कंपनी का उस स्टार्टअप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जगदीप सिंह आप देख सकते हैं इन पर्सनैलिटी को एंड अब इलेक्ट्रिक uh, व्हीकल्स के लिए बिग बैटरी पुश की बात की जा रही है दैट इज सॉलिड बैटरीज आ जाएंगी तो बहुत सेफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक uh, व्हीकल्स का कंडीशन यहाँ पे दिस वॉज द मेजर न्यूज यू कैन सी टेब शेयर होल्डर्स ऑफ कैलिफोर्निया बेस्ड क्वांटम स्केप कार्पोरेशन ऑफ बैटरी स्टार्टअप बैक्ड बाई मल्टी बिलियन डॉलर पे पैकेज फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जगदीप सिंह हुई टू पॉइंट ओनरशिप इतना पैसे का शेयर रहेगा उस कंपनी में इस बंदे के पास सब्जेक्ट टू कंपनी मीटिंग समाइल स्टोन ये देखिए ऐसा ही कुछ पैकेज दिया गया था एलॉन मस्क को टेस्ला ने दिया था दो हजार अट्ठारह में ये देखिए क्वांटम स्केप सॉलिड स्टेट बैटरी लिथियम मेटल विद अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटिंग द टू इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड एक्सेप्शनली ब्राइट प्रोस्पेक्ट इन द क्राउडेड स्पेस ऑफ बैटरीज सब कोई बैटरी ही बना रहा है पूरे विश्व में अभी यही फोकस में आ गया देखिए यहां तो ये देखिए सॉलिड स्टेट बैटरी लिथियम मेटल एंड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ये देखिए एंड सेपरेट इन द टू इलेक्ट्रोड आई देखते हैं बैटरी का शेप क्या देखिए ये है लिथियम आयन बैटरी जो आपके मोबाइल फोन में पाया जाता है सिंपल मोबाइल फोन में ये देखिए यहां पे एंड ये देखिए लिथियम एंड यू कैन सी द एनोड ये देखिए एनोड ये देखिए कैथोड एंड ये देखिए अंदर में लिक्विड यहां पे यू कैन सी इट हियर इस लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इट्स अ लिक्विड अब यही चीज और कुछ नहीं चेंज हुआ है सॉलिड स्टेट बैटरी में अब लिक्विड है इसीलिए क्या स्पार्क्स कभी कभी होते हैं कभी कभी फायर लगता है कभी कभी देखना होगा कि एयरलाइंस बैन सडन बैटरीज ठीक है द एयरलाइंस बैन सडन बैटरीज देखा होगा आपने कि आग लग गई बैटरी में आग लग गई एयरलाइन मीन्स एयरक्राफ्ट के अंदर तो उसने बैन कर दिया ये मोबाइल फोन लेकर ले आने का नहीं ये बैटरी लेकर आने का नहीं ठीक है तो so, ये इट्स मीन्स इट्स सेफ्टी सेफ्टी इश्यूज आर देयर इन दिस वन ये देखिए सेफ्टी इश्यूज आर देयर इन लिथियम एंड बैटरी जो नॉर्मल वन है ऑल्सो ऑल्सो स्टोरेज इश्यूज ठीक है एंड ऑल्सो साइज वाइज कितना साइज हो सकता है मैक्सिमम इन सब को लेकर परेशानी है लिथियम एंड बैटरी में स्टोरेज साइज आउटपुट ये देखिए आउटपुट एंड सबसे बड़ी बात सेफ्टी इश्यूज़ अब देखिए इस जगह पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाएगा इसकी जगह पे सेरामिक सॉलिड इस्तेमाल किया जाएगा सॉलिड यस मींस जैसे पत्थर सेरामिक देखा है आपने पत्थर उस तरह तरीके का तो क्या सेरामिक रहेगा सेरामिक ये देखिए पत्थर तो क्या अब इसमें कोई डेंजर है स्पिल करने का नो स्पिलिंग ये देखिए कोई मींस बस इतना ही चेंज यहां पे आपने देखा होगा बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स एल्ट्र, होते हैं ठीक है इवन इन इन्वर्टर बैटरी यू सी द इलेक्ट्रोलाइट ऑन वाटर पुट किया जाता है वहां पे ये देखिए अब देखिए यहाँ पे इस जगह यस एंड सेफ्टी इश्यूज में एक और पॉइंट ठीक है द बैटरी गेट्स बैटरी के अंदर मीन्स अगर लीकेज हुआ तो बैटरी आपने देखा होगा इट सोक्स अप द इलेक्ट्रोलाइट इट बिकम्स डेंजरस यहां पे केवल सेरामिक सॉलिड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट देखिए यहां पे और कुछ नहीं चेंज किया एंड नाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी सेफ मैं बता दूं वर्ल्ड की आठ दस कंपनीज पीछे लगी हुई है सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने में टू मेक इट मोर सेफ टू मेक इट अल्टीमेटली हंड्रेड परसेंट सेफ टू इंक्रीज द आउटपुट ये देखिए एंड टू टू इंप्रूव द स्टोरेज यस ये देखिए एंड टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट नो एक्सीडेंट ये देखिए और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेंटे मेंटेनेंस ठीक है तो अब बात समझ में आ रही है सेफ मोर आउटपुट स्टोरेज इशू सॉल्व अभी आपने देखा होगा बैटरी इन वाटर आप स्टोर करते हैं आपको लगता है एक रूम में स्टोर कर दिया जाए वहां कोई जाएगा नहीं मीन बहुत सारी चीजें होती हैं स्पिल ना कर जाए ठीक है ब्लास्ट ना कर जाए अब नो एक्सीडेंट्स इन दिस केस ये देखिए ठीक है मैं सिंपल इन्वर्टर बैटरी की बात कर रहा हूं वहां पे भी कल को सॉलिड सॉलिड स्टेट बैटरीज आने शुरू हो जाएंगे दिस इज द बिगिनिंग स्टूडेंट्स ये देखिए तो दिस इज इट अ सॉलिड स्टेट बैटरी इज अ बैटरी टेक्नोलॉजी दैट यूज सॉलिड इलेक्ट्रोड एंड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इन ऑफ लिक्विड और पॉलीमर जेल इलेक्ट्रोलाइट फाउंड इन लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज

परफॉर्मेंस एंड स्ट्रे देखा होगा एक एज के बाद आप कितना भी चार्ज किए हुए दो घंटे के अंदर बैटरी फेल मोबाइल का ठीक है मटेरियल्स प्रपोज फॉर यूज सॉलिड एट्रोलाइट इन सॉलिड स्टेट बैटरीज इंक्लूड सेरामिक्स ये देखिए एंड सॉलिड पॉलीमर्स ये देखिए पॉलीमर्स भी यस जिस प्रोसेस से पॉलीमराइजेशन से प्लास्टिक प्रिपेयर किया जाता है उसी प्रोसेस से सॉलिड स्टेट बैटरीज है फाउंड यूज इन पेस मेकर्स पेस मेकर्स में यस भई अब हार्ट की जगह पर मशीन लगाना है दिल की जगह पे तो पेस मेकर में क्या आप लिक्विड एयरप्लाइट डालकर आप पुट कीजिएगा नो ठीक है सॉलिडेट बैटरीज हैं वो ठीक है व्यरेबल डिवाइस जहाँ जहाँ इंसान जो इंसान के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया वहाँ पे वी आर यूजिंग इट बट अब अब इसका इस्तेमाल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में देखी लेट so, सी अब ये क्वांटम स्केप क्या नया लेकर आया है ठीक है और इसने बता दिया इन लोगों ने ये इससे एडवांटेजेस क्या क्या है पढ़ दीजिएगा इसको ठीक है सो दिस इज इट वट इज अ सॉलिड स्टेट बैटरी आई होप यू गॉट इट ना स्टूडेंट ये वन मोर थिंग लिथियम आयन में एक और दिक्कत है क्रोशन जहां पे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट uh, होता है डज इट क्रोड द सर्फेसिस चलनी क्या करोड करता है सर्फेस आपने देखा होगा कंटेनर का सरफेस भी करोड हो जाता है करोड मींस खत्म हो जाता है टाइम क्लियर एंड यही वजह है कि ये सारी चीजें नहीं होंगी अब इसमें एंड जहां क्रोशन होगा क्या वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है टेल मी स्टूडेंट्स शॉर्ट सर्किट यू माइट यस ये देखिए सो दिस इज द रीजन व्हाई व्हाई दिस न्यू ब्रेक थ्रू इन बैटरी टेक्नोलॉजी एज एक्सप्लेन इन द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज ऑन डिसंबर थर्टी फर्स्ट इट्सिड क्योंकि अब जाकर अगर इलेक्ट्रिक वेहिकल्स की इंडस्ट्री को आप बोलिएगा तो अब जाकर मिला है वो इमटस जो आज तक लैकिंग था दैट सेट विद दिस न्यूज तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट में फिर से एक रिक दे दू क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने लोगों ने सबसे लास्ट में पढ़ा बैटरी टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू एंड ये प्रेलम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सॉलिड स्टेट बैटरी वर्सेस लिक्विड स्टेट बैटरी ठीक है मेंस में भी लिंक कर सकते हैं बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए ठीक है नेक्स्ट हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा काजीरंगा में काजीरंगा में एक एलिवेटेड रोड प्लान मैन एनिमल यस ठीक है और ये देखिए मैंने कहा डिब्रू से मानस काजीरंगा पोवीतोड़ा एंड ओरांग नेशनल पार्क अरेंज कर लीजिएगा ईस्ट टू तो वेस्ट थर्ड पॉइंट टू प्लांट डिस्कवर्ड इन केरल डेटा डिफिशियंट लगाया गया उसको टैग डेटा डिफिशियंट टैग कहां पे होता है आईयूसीएन के कितने कैटेगरीज हैं मैंने बता दिया नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये देखिए पावर प्लांट्स में हैव टू यूज बायो इन फ्यूल मिक्स ये देखिए समर्थ इनिशिएटिव उसके पहले देखिए राजस्थान टू माइन लिग्नाइट इन बीकानेर फॉर एनहैंस पावर जनरेशन यस स्टेट इन न्यूज क्स्ट सेंट्रल प्लान्स हाइक इन हाईवे बजट नेक्स्ट इंडिया चाइना चाइना रिलेशंस न्यूज में हमेशा ठीक है मिठाई लेकर आ गया नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन दिस इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज ये देखिए एंड ये देखिए साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट केप टाउन में दिक्कत की बात साउथ अफ्रीका के तीन कैपिटल्स है मैंने बताया था नेक्स्ट इसके पहले आठ लाख इनकम रीजनेबल कैप ई डब्ल्यू एस कोटा सेंटर सेंडर सुप्रीम कोर्ट एंड ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने अभी देखा uh, कल द हिंदू में एक और न्यूज़ आया था आई पी ओ नॉर्म्स नए आए हैं कल डिस्कस करेंगे इसको चिंता मत कीजिए संडे uh, में दो न्यूज छूट गए थे इट विल बी डिस्कस्ड बाई टमारो ठीक है इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड ऑल ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है बताएंगे शेयर मार्केट क्या होता है बताएंगे और क्या है नए नॉर्म्स कल बताएंगे चिंता नहीं कीजिएगा तो दैट्स ऑल आई होप यू एंजॉयड द सेशन टेलीग्राम चैनल अन एकेडमी अंडर स्कोर अनुराग सिंह जुड़ जाइएगा स्टूडेंट्स से इस सेशन के फ्री पी डी एफ एंड फर्दर अपडेट्स के लिए एंड यस थर्टी मिनट्स में मिलते हैं हम लोग एग्जैक्टली द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल एडिटोरियल डिस्कशन एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल डिस्कशन ठीक है पिक्चर पिक कर देंगे कल से नीड टू वरी नमस्कार जय हिंद मिलते हैं इन थर्टी मिनट अपॉन द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल टेक केयर गिव योर बेस्ट टू डेज टू चलिए